हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम बताने वाले हैं कि यदि आपके कान में है जो दर्द होता है, जिसको बोलते हैं कि चटके चलना, तो इस तरीके से कुछ भी यदि आपके कान में है जो गिर जाता है या थोड़ा थोड़ा यहाँ पे है जो दर्द होता है नॉर्मल, तो उस समय आप है जो क्या कर सकते हो जिससे है जो आसानी से आपका कान का जो दर्द है वह ठीक हो जाए। तो नॉर्मल यदि दर्द हो रहा है तो उस समय आपको है जो ये करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सरसों का तेल लेना है। तो यह है जो हमने ले लिया है, शुद्ध सरसों का तेल लिया है। यह है जो बोतल दूसरी है, लेकिन इसके अंदर है जो सरसों का तेल डाला हुआ है। तो उसकी क्या करनी है आपको, दो चार बूंदे है जो निकाल लेनी है। यदि आपके कान में चटके चलते हैं तो उस समय आप है जो ये कर सकते हो। तो थोड़ी सी बूंदे है जो तेल की हमने यहाँ पे हथेली में निकाल लिए। क्या करना है कि अच्छे से अपने कान को है जो साफ करना है। तो इस तरीके से आप है जो पहले अच्छी तरीके से अपने कान को है जो साफ कर लीजिए। कान को साफ करने के बाद में यह है जो आपको तेल की जो बूंदे है, सरसों का तेल की जो बूंदे हैं वो आपको अपने कान में डालनी है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो इस तरीके से जो कुछ बूंदे है जो गिरेंगी, तो ये बूंदे ये जो आपको अपने कान के अंदर डालनी है। तो चलो आपको दिखाते हैं, हल्का हल्का इस तरीके से आप कान के अंदर जो टच करोगे तो ये जो सरसों का तेल आपने लिया है वो डायरेक्ट आपके कान के अंदर चला जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका कान है जो अच्छी तरीके से साफ हो जाएगा, या थोड़ा बहुत आपके कान में है जो दर्द हो रहा है तो वो भी है जो इससे ठीक हो जाता है, क्योंकि सरसों का तेल है जो बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो जिस भी कान में आपने डाला है तेल, उसको है जो इस तरीके से रखना है, 5 या 10 मिनट तक आप है जो इस तरीके से रख लीजिए। जिससे क्या होगा कि धीरे धीरे है जो तेल अंदर तक है जो चला जाएगा, और यदि आपको दर्द है तो उसमें आपको आराम मिलता जाएगा। और फिर आपको क्या करना है ये भी हम बताएंगे। यदि आपको कान में दर्द भी नहीं हो रहा, या फिर आप है जो कान को साफ करना चाहते हो, तो इसमें भी है ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से करोगे तो आसानी से चला जाएगा। वैसे तो अभी हमें हो चुके हैं 5 मिनट, तो अभी है जो हम करेंगे अच्छे तरीके से कान को साफ। फ्रेंड्स, यदि आपके कान में दर्द हो रहा है तो आपको है जो साफ नहीं करना है, ऐसे ही रखना है। लेकिन यदि आपके कान में है जो दर्द नहीं है तो आप है जो इससे है जो अच्छे तरीके से है जो साफ कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि जो भी आपके कान के अंदर कचरा है वो आसानी से जो निकल के आ जाएगा, क्योंकि आपने जो सरसों का तेल डाला था उससे है जो अच्छी तरीके से जो कचरा जमा हुआ था वो इधर उधर हो जाता है और निकल जाता है। तो चलो दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो इस तरीके से जो भी कचरा रहता है वह बारीक होके है जो बाहर की साइड निकल जाता है। तो जब आप कान साफ कर रहे हो तो सावधानी से आपको कान साफ करना है, जल्दबाजी में नहीं करना है। तो आप देख सकते हो अच्छी तरीके से है जो हमने अपने कान को साफ कर लिया। वैसे भी हम अपने कान को है जो रेगुलर है जो साफ करते रहते हैं, सप्ताह में 1 बार, सप्ताह में 2 बार, इस तरीके से, तो ज़्यादा है जो कचरा नहीं है। आपको भी है जो नियमित रूप से अपने कानों को है जो साफ करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है जो आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।